Good morning, students. This is Anubhuti Singh Chundavat from Shri Pragya Public School. बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है इंडस वैली सिविलाइजेशन. ये टॉपिक 6 टू 12th क्लासेस के लिए इम्पॉर्टेंट है. सो लेट्स स्टार्ट इंडस वैली सिविलाइजेशन. इंडस वैली सिविलाइजेशन को हम टू पार्ट्स में पढ़ेंगे. पार्ट फर्स्ट में हम पढ़ेंगे इम्पॉर्टेंट फीचर्स ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, टाउन प्लानिंग एंड सोसाइटी. सोसाइटी में हम पढ़ेंगे एग्रीकल्चर, रिलीजन, ट्रेड एक्सेट्रा. और पार्ट सेकंड में हम पढ़ेंगे इम्पॉर्टेंट साइट्स ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन. इंडस वैली सिविलाइजेशन को स्टार्ट करने से पहले मैं ये बताना चाहूंगी कि कुछ और सिविलाइजेशंस भी थी जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के साथ कोएग्जिस्ट करती थी, जैसे इजिप्शियन सिविलाइजेशन, मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन, चाइनीज सिविलाइजेशन एंड इंडस वैली सिविलाइजेशन. अगर हम साइज की बात करें तो अकॉर्डिंग टू साइज सबसे बड़ी जो सिविलाइजेशन थी वो थी इंडस वैली सिविलाइजेशन. अब आते हैं इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स अबाउट इंडस वैली सिविलाइजेशन. इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है इसको हड़प्पा सिविलाइजेशन और ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन के नाम से भी जाना जाता है. तो हमने देखा कि इंडस वैली सिविलाइजेशन को इंडस वैली सिविलाइजेशन क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये जो सिविलाइजेशन है वो इंडस और उसकी जो ट्रिब्यूटरीज हैं उसके आसपास पनपी. इसको हड़प्पा सिविलाइजेशन इसलिए कहा जाता है क्योंकि फर्स्ट जो डिस्कवरी हुई है साइट की वो हमें मिली है हड़प्पा में. इसको ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें जो मेटल्स यूज होते थे सिविलाइजेशन में वो ब्रॉन्ज के बने होते थे. और आपको पता होना चाहिए कि जो ब्रॉन्ज है वो कॉपर प्लस टिन से बनता है. नेक्स्ट हमारा इसके बारे में जो फैक्ट है वो ये है कि हड़प्पा फर्स्ट साइट जो मिली इंडस वैली सिविलाइजेशन में वो मिली 1921 में एक्सकेवेशन में. किसने इसको खोज निकाला? दयाराम साहनी ने. सेकंड जो इसकी साइट मिली वो मिली मोहनजोदाड़ो 1922 में. इसको एक्सकेवेट किया आरडी बैनर्जी ने. देन ये जो एक्सकेवेशन किए गए ये किसकी लीडरशिप में हुए? जॉन मार्शल. तो यहां पर हमने देखा कि हमारी जो फर्स्ट साइट है हड़प्पा, उसकी जो एक्सकेवेशन हुआ है वो हुआ है 1921 में बाय दयाराम साहनी. सेकंड इज मोहनजोदाड़ो इन 1922 बाय आरडी बैनर्जी. और लीडरशिप रही है जॉन मार्शल की. इसका जो टाइम पीरियड है सिविलाइजेशन का वो है 2500 से 1700 बीसी. इसका टाइम पीरियड माना गया है कि ये जो सभ्यता है वो एग्जिस्ट करती थी इस टाइम पे. अब मैं इसको आपको मैप के थ्रू थोड़ा सा बताना चाहूंगी कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो इंडस रिवर है जो फ्लो करती है, तो इंडस रिवर और इसकी जो ट्रिब्यूटरीज हैं उसके आसपास ये जो सिविलाइजेशन है वो फली फूली. और इस सिविलाइजेशन की जो रिलेटेड साइट्स हैं वो भी हमें इस एरिया में देखने को मिलती हैं. तो ये एरिया मैप में शो हो रहा है इंडस वैली सिविलाइजेशन का. अब हम देखते हैं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन की जो फीचर्स हैं वो क्या हैं. फर्स्ट इज टाउन प्लान, सेकंड इज एग्रीकल्चर एंड डोमेस्टिकेशन, थर्ड वन इज रिलीजन और बिलीफ, ट्रेड एंड लास्ट वन इज इम्पॉर्टेंट साइट्स. इसमें जो सबसे ज्यादा इम्पॉर्टेंट है वो है टाउन प्लानिंग एंड इम्पॉर्टेंट साइट्स. तो फर्स्ट हम लेते हैं टाउन प्लान. ये एक अर्बन सिविलाइजेशन थी, ग्रीड सिस्टम पर बेस्ड थी. टाउन प्लानिंग काफी अच्छी तरीके से की गई थी. इसमें जो मेन रोड्स थी वो नॉर्थ टू साउथ प्लान की गई थी और जो एलीज थी वो ईस्ट टू वेस्ट प्लान की गई थी. आप देख सकते हैं जो मेन रोड्स हैं वो नॉर्थ टू साउथ प्लान की गई हैं
और जो एलीज हैं वो ईस्ट टू वेस्ट प्लान की गई हैं। नेक्स्ट, अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम यहाँ पर काम करता था। जो ड्रेनेज सिस्टम था वो अंडरग्राउंड था, मतलब जो नालियाँ थी वो अंडरग्राउंड्स थी, ढकी हुई थी, कवर्ड थी। तो हम ये कह सकते हैं कि स्वच्छता का भी काफ़ी अच्छी तरीके से टाउन प्लानिंग में ध्यान रखा गया था। आप देख सकते हैं इसका अपर टाउन एंड लोअर टाउन। अपर टाउन को सिटाडेल कहा जाता था, जो फोर्टिफाइड होता था। इसका मतलब है कि जो अपर टाउन है वो ऊंचाई पर रहेगा और चार दीवारी से घिरा रहेगा, बाउंड्री होगी उसके आसपास, उसको फोर्टिफाइड कहा जाता था। और लोअर टाउन अपर टाउन से नीचे बसा हुआ होता था, जिसको लोअर टाउन कहा गया है। हाउसेस जो थे वो एक मंजिल और दो मंजिल, डबल स्टोरी भी होते थे, सिंगल स्टोरी भी होते थे। और हाउसेस को बनाने में जो ब्रिक्स काम में ली जाती थी वो बर्न ब्रिक्स थी, पक्की ईंटें थी। उनका डायमेंशन था 4:2:1। और जो डोर्स ओपन होते थे हाउस के वो होते थे टूवर्ड्स एलीज। तो यहां पर हमने देखा कि किस तरीके से जो टाउन प्लानिंग है वो की गई थी। पक्की ईंटों के बने हुए घर मिले, स्टोरीज मिली हाउसेस की सिंगल एंड डबल, और डोर्स भी हमें हाउसेस में देखने को मिले। और जो ड्रेनेज सिस्टम था वो काफी ज्यादा हम कह सकते हैं यूनिक था। नाउ एग्रीकल्चर एंड डोमेस्टिकेशन। एग्रीकल्चर में हम देखेंगे कि जो मेन क्रॉप्स थी, जो सीरियल क्रॉप्स थी, वो थी बार्ले एंड वीट। हम ये नहीं कहेंगे कि यहाँ पर राइस नहीं होता था, लेकिन जो मेन स्टेपल क्रॉप्स मानी गई हैं वो मानी गई हैं वीट एंड बार्ले। हमें इसके एविडेंस भी मिले हैं। देन सेकेंड वन इज राइस। राइस की जो हस्क है वो हमें मिली है लोथल में। लोथल भी एक साइड रही है सिविलाइजेशन की, जहां पर हमें राइस की जो हस्क है वो मिली है। और फर्स्ट हम कह सकते हैं कि पीपल रहे हैं जिन्होंने, मतलब ये सिविलाइजेशन जो है वो फर्स्ट रही है जहां पर हमें एविडेंस मिले हैं कि इन्होंने कॉटन भी ग्रो की है। तो कॉटन जो हम कह सकते हैं कि सिविलाइजेशन में हमें मिलती है, जिसके हमें एविडेंस मिले हैं, वो है इंडस वैली सिविलाइजेशन। नाउ डोमेस्टिकेशन को मैं टू पार्ट्स में डिवाइड करूंगी, प्रेजेंट एंड एब्सेंट। प्रेजेंट एंड एब्सेंट का मीन्स है कि काउज और लॉयंस के हमें एविडेंस नहीं मिले। हम ये कह नहीं सकते हैं कन्फर्म कि इस सिविलाइजेशन में काउज या लॉयंस होते थे, क्योंकि इसके एविडेंस हमें नहीं मिले। हमें किसके एविडेंस मिले हैं? बफेलो के, देन डॉग्स के, ऑक्सन, शिप एंड गोट्स, इनके हमें एविडेंस मिले हैं कि उस समय ये जो डोमेस्टिक एनिमल्स थे ये प्रेजेंट थे इस सिविलाइजेशन में। अब आ जाइए नेक्स्ट, जो हमारा इसका टॉपिक है वो है रिलीजन। मैं इसको रिलीजन नहीं कहूंगी, मैं इसको बिलीफ कहूंगी, क्योंकि हमें जो भी मोहरें मिली हैं उससे हम ये कह सकते हैं कि ये जो सिविलाइजेशन रही है उसमें ये बिलीफ्स रहे हैं कि ये लोग किस की पूजा किया करते थे या किसको डिटीज या गॉड या गॉडेसेस इन्होंने माना है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो रिलीजन है उसको हम टू पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, मेल गॉड एंड फीमेल गॉड। मेल गॉड में हमें पशुपति जो हैं उनकी एक मोहर मिली, जिसके ऊपर पशुपति जैसी एक आकृति बनी हुई है। और ये जो सील हमें मिली है पशुपति की, ये सराउंडेड बाय एनिमल्स है, तो इससे हमने अंदाजा लगाया है कि ये जो सील है वो मेल गॉड की है। इसी तरीके से हमें एक फीमेल सील भी मिली है, तो इसे हमने मदर गॉडेस कहा है, क्योंकि इस सील के अंदर हमें देखने को मिलता है कि एक प्लांट है जो ग्रो हो रहा है फ्रॉम द विमेंस एम्ब्रॉय। तो यहां पर हमने देखा कि जो एक प्लांट है वो ग्रोइंग हुआ है विमेन की एम्ब्रॉय से। तो ये देखिए उस सील की फोटो, पशुपति एंड दिस इज गॉडेस। नेक्स्ट इज ट्रेड। ट्रेडिंग में हम देखेंगे कि बहुत सी जो चीजें हैं वो इंपोर्ट की जाती थी
तो इम्पोर्टेड जो चीज़ें थी जो इम्पोर्ट की जाती थी लाइक टिन, क्योंकि हमने देखा है कि जो सिविलाइजेशन है वो ब्रॉन्ज सिविलाइजेशन है जिसमें उन्हें टिन और कॉपर को मिक्स करके वो बनाते थे इसे ब्रॉन्ज को। तो टिन जो है, प्रीशियस स्टोन्स जो हैं वो ईरान और अफगानिस्तान से इम्पोर्ट किए जाते थे, गोल्ड जो है वो कर्नाटक से इम्पोर्ट किया जाता था, और आज भी हम देखते हैं कि जो गोल्ड है वो कहाँ मिलता है, मोस्ट ऑफ द जो गोल्ड है वो कर्नाटक की माइंस में मिलता है, देन कॉपर फ्रॉम राजस्थान एंड ओमन। ये तो वो हैं जो इम्पोर्टेड आइटम्स थे जो ये लोग इम्पोर्ट करते थे डिफरेंट जगहों से। देन स्टोन वेट्स, बार्टर सिस्टम उस समय ट्रेड में काम में लिया जाता था, और जो वेट्स थे वो क्यूबिकल थे, मल्टीपल ऑफ 16, जैसे 2 आना 4 आना, ये जो सिस्टम है वो यहाँ पर फॉलो किया जाता था। तो बार्टर सिस्टम आपको पता है, व्हेन थिंग्स आर एक्सचेंज विदाउट द यूज ऑफ मनी, दैट सिस्टम इज नोन एज बार्टर सिस्टम। नाउ चैप्टर कैप्सूल, हमने क्या पढ़ा इस चैप्टर में, उसका हम एक शॉर्ट रिवाइज लेंगे। इंडस वैली सिविलाइजेशन इज ऑल्सो कॉल्ड हड़प्पन सिविलाइजेशन एंड ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन। हड़प्पा वॉज फर्स्ट साइट डिस्कवर्ड बाय दयाराम सहानी इन 1921। इट एग्जिस्टेड बिटवीन 2500 BC 700 BC। टाउन प्लान वॉज ग्रीट सिस्टम विद अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम। सिटी वॉज डिवाइडेड इंटू टू पार्ट्स, अपर सिटी एंड लोअर सिटी। वीट एंड बार्ले वर द स्टेपल क्रॉप्स एंड दिस सिविलाइजेशन हैज हैड फर्स्ट टू ग्रो कॉटन। काउज एंड लॉयंस एविडेंसेज आर नॉट फाउंड हियर, सो वी कैन से दैट दीज आर द एबसेंट। पशुपति एंड मदर गॉडेसेस फिगर वी फाउंड। ट्रेड फ्लरिश्ड एंड स्टोन वेट्स इन मल्टीपल 16 एग्जिस्टेड। तो बच्चों ये थी हमारी इंडस वैली सिविलाइजेशन। नेक्स्ट जो मैं इसका पार्ट ले उसमें हम पढ़ेंगे इस सिविलाइजेशन के इम्पॉर्टेंट साइट्स।